तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि खान सर की वीडियो अपलोड करके YouTube से पैसा कैसे कमा सकते हैं। और आपको पता ही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खान सर की वीडियो अपलोड करके YouTube से लाखों रुपए कमा रहे हैं और उनके चैनल पर कोई भी ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को मिलता है, ना ही क्लेम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है सारा कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक ऐसे चैनल के बारे में जो कि टोटली खान सर की वीडियो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको साइड में देखने को मिल रहा होगा मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टोटली खान सर की वीडियो अपलोड करते हैं और इनके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर अगर व्यूज और अर्निंग की बात की जाए कि कितना ये पैसा कमा रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर व्यूज की बात की जाए तो 26 मिलियन व्यूज आ रहे हैं इनके चैनल के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि 30 दिन के अंदर कितना व्यूज आ रहे हैं एक मंथ के अंदर, ठीक है, 26 मिलियन, समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्निंग की बात की जाए कि कितना पैसा कमा रहे हैं, तो यहां पर देख लीजिए, मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। देख सकते हैं कि 6.7K डॉलर से लेकर के 107K डॉलर तक ये पैसा कमा रहे हैं। अब इसको मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मैं यहां से न्यू टैब को ओपन करता हूं, अब यहां पर कम से कम लेने वाला हूं। जैसे कि इनकी अर्निंग कितनी है 6.7K, ठीक है, तो मैं 6000 ले लेता हूं, ठीक है, कम से कम 6000, इससे कम नहीं ले सकता, ठीक है। अब यहां से मैं न्यू टैब को ओपन करता हूं और यहां पर सर्च करता हूं मैं $2INR, ठीक है, मैं यहां पे सर्च कर देता हूं। अब सर्च करने के बाद यहां पर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूं। अभी अगर पैसा की बात की जाए तो देख सकते हैं कि डॉलर का कितना रेट चल रहा है, ठीक है, 82.81 रुपीज चल रहा है, ठीक है, एक डॉलर का। अब यहां पर मैं कन्वर्ट कर देता हूं, जैसे 6000 डॉलर था तो मैं यहां से 6000 लिख देता हूं। तो अब लिखने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि कितना पैसा कमा रहे हैं, 4,96,000, समझ सकते हो, ठीक है, मंथली इनकम ये। और ये कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं, खान सर की वीडियो अपलोड करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। अब इनके चैनल को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मैं यहां से कट करता हूं और सीधे मैं यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेता हूं और ओपन करने के बाद यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं। तो मैं यहां पे सर्च के बटन पर क्लिक करता हूं और यहां से मैं लिख लेता हूं वायरल खान सर, ठीक है, मैं यहां से लिख लेता हूं वायरल खान सर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूं तो लिखने के बाद इनका चैनल आ चुका है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इनके चैनल पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, आप समझ सकते हो, ठीक है। अब इनके चैनल के अंदर जाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं ये ऑफिशियल चैनल नहीं है, ठीक है, ये ऑफिशियल चैनल नहीं है, लेकिन ये खान सर की वीडियो अपलोड करते हैं। कैसे अपलोड करते हैं सारा कुछ यहां पर बताने वाला हूं। तो देखिए, अब जैसे ही वीडियो के अंदर आए तो यहां पर देख सकते हैं कि 25,000 दो घंटे के अंदर, 25,000, 17,000 चार घंटे के अंदर, 61,000 16 घंटे के अंदर, 18 घंटे के अंदर, 11,000 ऐसे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और एक दिन में कितने वीडियो अपलोड करते हैं वो भी आपको दिखा देता हूं। देख सकते हैं जैसे कि ये 2 घंटा था तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीडियो अपलोड कर रहे हैं एक दिन के अंदर। तो आप समझ सकते हो, ठीक है, कि कितने वीडियो ये अपलोड कर रहे हैं और कितने व्यूज आ रहे हैं इनके चैनल के ऊपर। अब देखिए, अब यहां पर एक और बात दिखा देता हूं, जैसे यहां से मोस्ट पॉपुलर कर देता हूं, ठीक है। तो मोस्ट पॉपुलर में मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहां पर देख सकते हैं कि एक मंथ के अंदर 9.5 मिलियन, उसके बाद 2 मंथ के अंदर 4.1 मिलियन, 4 मिलियन, 3.5 मिलियन, 2.8 मिलियन, ऐसे करके व्यूज आ रहे हैं। और ये कुछ नहीं करते हैं, खान सर की वीडियो अपलोड करते हैं। कैसे अपलोड करते हैं सारा कुछ यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। ये कुछ नहीं कर सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि टोटली ये खान सर की ही वीडियो अपलोड करते हैं और इनके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक देखने को नहीं मिलता है। तो कैसे करते हैं सारा कुछ यहां पर बताने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि खान सर की वीडियो YouTube पर री अपलोड कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना है और उसी को फॉलो करना है। और वीडियो के एंड में मैं एक ऐसा बात बताने वाला हूं जिससे आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको YouTube को ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद
यहाँ पर लिखना है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है खान सर न्यू वीडियो, ठीक है, लिख करके आपको सर्च कर देना है। अब सर्च करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा वीडियो देखने को मिलेगा, तो इनमें से आपको एक वीडियो को ले लेना है, ठीक है। मैं यहाँ से एक वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ। अब डाउनलोड करने के बाद दूसरा काम करना है कि आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड करना है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, लिखना है विदाउट कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक। अब जैसे ही लिख करके यहाँ पे सर्च करिएगा तो सर्च करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा देखने को मिलेगा ये सब बैकग्राउंड म्यूजिक, तो इनमें से आपको एक म्यूजिक को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से डाउनलोड करने के बाद सीधे आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ही ओपन करिएगा उसके बाद यहाँ पे प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे 9:16 का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ओपन होगा, तो ओपन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड इमेज को लेना होगा, तो इसके लिए यहाँ पे इमेज एसेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आप क्लिक करिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा आपको इमेज देखने को मिलेगा, तो इनमें से आप कोई सा भी कलर को ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से व्हाइट कलर को ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, तो इसको आपको बड़ा कर देना है घींच तीर के, ठीक है, इस तरह से आपको बड़ा कर देना है। तो मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे आपको तीर करके इसे बड़ा कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से आपको खान सर का वीडियो ले लेना है, ठीक है। तो खान सर का वीडियो लेने के लिए यहाँ पे लेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आप क्लिक करिएगा, उसके बाद मीडिया पर क्लिक करिएगा। अब जहाँ पर भी आप खान सर का वीडियो डाउनलोड किए होंगे उसको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मेरा यहाँ पर है, तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करना है कि इसे मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं घींच तीर के ऐसे बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर कुछ मुझे चेंजेज करना है, तो चेंजेज करने के लिए यहां पे आपको खान सर का वीडियो पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे में जाना है। अब नीचे में जैसे ही जाइएगा तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा फिल्टर का ऑप्शन, तो इस पर आप क्लिक करिएगा, उसके बाद आपको नीचे में जाना है, उसके बाद यहां पर मोनो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आप क्लिक करिएगा और पहला वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो अब यहां पर 100% देखने को मिलेगा, तो इसको आपको 50 पर कर देना है, ठीक है, 50 या 50 से थोड़ा सा ऊपर रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे 50 पर कर देने में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहां से मैं बैक करता हूं। अब एक दूसरा काम करना है कि यहां पे एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको ब्राइटनेस में बढ़ा देना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, जैसे कि 15 किया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चले जाना है, उसके बाद यहां पे टेंपरेचर में थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। उसके बाद खान सर के वीडियो पर क्लिक करना है, और इसे मैं यहां से नीचे कर देता हूं, और जो बच्चा आया है उसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं, ठीक है। तो इसके यहां पे लेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आप क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के बाद यहां पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आप क्लिक करके और जिस बारे में वीडियो है उस बारे में लिख दीजिएगा, जैसे कि मैंने लिख दिया कि खान सर के क्लास में गूगल बॉय 2 आया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको लिख देना है। अब यहां से मैं ले आता हूं और इसे मैं नीचे कर देता हूं, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद ओके कर देता हूं, तो यहां पर आ चुका है। तो इसे अब यहां से मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, और आपको फॉन्ट पर क्लिक करके सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि पता चले, ठीक है। तो कलर के लिए यहां पे कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आप क्लिक करके और यहां से मैं रेड कर लेता हूं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो गया। अब यहां पर एक और काम करता हूं कि इसको फॉन्ट में चेंज कर देता हूं, तो फॉन्ट के लिए यहां पे फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और आप जैसा रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहां से बोल्ड कर देता हूं, ठीक है। अब बोल्ड करने के बाद यहां पे सही के निशान पर क्लिक करता हूं, तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आ चुका है, ठीक है। तो अब यहां से थोड़ा सा और बड़ा करके और इसे मैं यहां से कर देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर करने के बाद दूसरा काम करना है कि इसमें आपको एक स्टिकर डालना होगा। अब इसे मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, जहाँ तक वीडियो है वहाँ तक लेकर के जाता हूँ, ठीक है। तो खान सर के क्लास में जहाँ तक आया है वहीं तक मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ तक था तो मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जितना भी पार्ट बचा हुआ है उसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक था तो मैं यहाँ तक लाने के बाद यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। अब कट करने के बाद कुछ इस तरह से बन करके तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब एक और काम करना है कि इसमें आपको एक स्टिकर को ऐड कर देना है ताकि सही लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको लेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टिकर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिएगा और यहाँ से जो भी स्टिकर लेना चाहते हैं वो स्टिकर ले लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला स्टिकर ले लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर
सर ताज पे पहना देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से देखने में लगेगा, ठीक है। इसे मैं बैक कर लेता हूँ। अब बैक करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा सर ताज पे पहना देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाता है, और क्या। इसमें आपको ऐसे सेलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, तो कुछ इस तरह से बन करके तैयार हो जाएगा। जहाँ तक रहेगा वहाँ तक आप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा मैं बैक करता हूँ और इसमें आपको ओवरलैप डाल देना है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओवरऑल एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिएगा। तो इसमें आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। तो जैसा आप डालना चाहते हैं उस तरह से डालिएगा। तो मैं ये वाला क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि फ्लोटिंग वाला क्लिक किया तो इस तरह से चलने लगेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा और इधर ला देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बंद करके तैयार हो चुका है। इसमें एक और काम करिएगा कि इसमें आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक को डाल देना है। तो इसके लिए यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आप क्लिक करिएगा। और क्लिक करने के बाद आप जहाँ पर भी डाउनलोड किए होंगे उसको ले लेना है। जैसे कि मेरा जो डाउनलोड था यहाँ पर था, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ऐड कर दिया, तो इस तरह से बन गया, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको अब एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। अब एक्सपोर्ट करने के बाद, अब यहाँ से तो एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। करने के बाद एक और काम करना है कि आप जब भी वीडियो को अपलोड करिएगा, अपलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल वीडियो का लिंक डाल दीजिएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक देखने को नहीं मिलेगा, और साथ ही में क्रेडिट भी डाल दीजिएगा। तो ऐसे आप खान सर का वीडियो अपलोड करिएगा तो आपके चैनल पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर के आते रहता हूं।